नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का जो हमारी चर्चा रहेगी वह रहेगी सूर्य पर्वत पर बनने वाले एक्स चिन्ह। एक्स चिन्ह की बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। एक्स चिन्ह कई प्रकार से आपके पर्वतों पर बन सकता है। अनामिका उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं सूर्य का क्षेत्र। और सूर्य के क्षेत्र पर बनने वाले एक्स चिन्ह के जो जो प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को मैं आपको बताऊंगा। आपको एक एक्स का चिन्ह नज़र आ सकता है, आपको जहां नीचे नज़र आ सकता है, आपको एक्स का चिन्ह बहुत बड़े स्वरूप में नज़र आ सकता है, कई बार इस प्रकार से लगता है देखने में, इस प्रकार से नज़र आ सकता है, आपको एक्स का चिन्ह छोटे स्वरूप के अंदर नज़र आ सकता है, यानी इतने छोटे रूप में नज़र आ सकता है, और एक्स का चिन्ह आपकी कुल मिलाकर जो सूर्य रेखा है उस सूर्य रेखा पर भी आपको एक्स का चिन्ह नज़र आ सकता है। इन एक्स के चिन्हों को क्रम से करके मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के एक्स के चिन्हों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, या पूरे ही हाथ के अंदर आपको एक्स की आकृति नज़र आ रही है तो इनका आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है। तो चलिए हम एक एक करके आपको विस्तार से समझाऊंगा, उसको समझिए और उसमें ज़्यादा किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका क्या क्या प्रभाव है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य का जो पर्वत होता है इसके कारकों का पता होना आपको अनिवार्य है। जैसे मान लिया इसका एक प्रकार की यदि बात करता हूँ तो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपकी सरकारी रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो, तो यह एक नौकरी का यहाँ पर क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र यहाँ पर यह कहलाता है यश का, या कह दीजिए कि प्रसिद्धि का। आपके जीवन के अंदर प्रसिद्धि, यश और सम्मान की अगर बात होती है तो इस क्षेत्र को देखना पड़ेगा। आपको पैतृक संपत्ति के लिए, आपको पिता के सहयोग के लिए, अगर पिता का सहयोग आपको देखना है तो भी आपको यह क्षेत्र देखना पड़ेगा। आपके जीवन के अंदर इस क्षेत्र का अगर बात होती है आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, तो प्रगति प्रमोशन भी आपको यहाँ से देखने में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पहले इसके कारकों के बारे में जानकारी है और फिर उसके बाद में इस क्षेत्र पर बने हुए अब शब्दों का आप किस प्रकार से इसका आपके जीवन में प्रभाव है वह देखने में मिलता है। बहुत सारे हाथों के अंदर देखने में मिलता है कि एक रेखा आपके पास में इस प्रकार से होती है और वह रेखा किसी भी प्रकार से आकर के और साइड से निकलने वाली लगभग यहाँ कनिष्ठा और अनामिका के उंगली के बीच से एक रेखा निकलती है और वो यहाँ पर एक्स का चिन्ह बना देती है। इस चिन्ह को अगर आप दूषित समझ रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसकी यदि हम गणना करते हैं तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर कोई रेखा है तो उसकी गणना 60 वर्ष के लिए होती है, 60 इयर्स के लिए होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर पिता का सहयोग मिलेगा अपने जीवन में, अधिकांश व्यक्तियों को 60 साल तक माता पिता का सहयोग मिलता है, 60 साल तक सरकारी नौकरी मिलती है, बस उसी को अगर आप इसको रेखा को 60 को डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कि 27वें वर्ष के बाद यहाँ से एक रेखा और धन पर्व से निकल करके और इधर को आड़ी काट रही है, तो यानी आपके जीवन के अंदर आपको 27वें वर्ष के बाद और यदि और नीचे से गई तो उसके बाद प्रगति मिलेगी, उसके बाद नौकरी मिलेगी, उसके बाद सम्मान मिलेगा, उसके बाद काम आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर देखना है वह एक प्रकार का एक्स, तो इसका कोई अशुभ नहीं हुआ, सिर्फ कार्य का किस समय से मिलेगा इसको हम गणना करके बता देते हैं कि भाई इस समय के बाद आपको नौकरी मिलेगी। चलिए आपके पास एक दूसरा चिन्ह होगा और वह चिन्ह आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको कोई रेखा जा रही है,
और वह रेखा पर इस तरीके से एक ट्रायंगल का चिन्ह बनता हुआ और इस प्रकार से काटता हुआ नजर आता है। अब ये यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक तरीके से अगर देखो तो आपकी हृदय रेखा से निकलती हुई शाखा है क्या ये? अगर हृदय रेखा से निकलती शाखा है तो एक देखती है सूर्य पर्वत की तरफ, एक देखती है शनि पर्वत की तरफ। यानी व्यक्ति चाहता है नौकरी भी और व्यक्ति चाहता है व्यवसाय भी, यानी शनि भी व्यवसाय भी चाहता है। और जब ये रेखा एक दूसरे को काटने लगे तो व्यक्ति मन से हृदय से अपनी जगह स्थिर नहीं हो पाता है। तो इसको दूसरे प्रकार को आप यदि देखेंगे तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, और वह रेखा है आपके पास बिल्कुल स्वतंत्र एक्स बन गया। ये आपके बिल्कुल पर्वत के बीच है, बस सबसे बड़ा अशुभ यही चिन्ह है। यानी सूर्य कारक पर्वत के बीच में अगर देखते हैं तो यहां पर सूर्य की गति अग्नि कारक गति होती है, एक्स बन गया, ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। एक्स बन गया व्यक्ति को नौकरी में अड़चने होती हैं। एक्स बन गया व्यक्ति के जीवन के अंदर यह सम्मान नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, प्रगति प्रमोशन को तो भूल ही जाइएगा। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अपयश यानी के सम्मान नहीं, आपके जीवन के अंदर लोग आपको कहेंगे बहुत नकारात्मक व्यक्ति है, बहुत बेकार व्यक्ति है और कुल मिलाकर किसी के काम नहीं आता। तो इस प्रकार की चीजों को आपको ये एकमात्र अगर एक्स का चिन्ह है तब। अब एक एक्स का चिन्ह आपको दिखाई देगा कि आपने यहां से कोई हृदय रेखा से उठती रेखा देखी और वह जाकर के दोनों शाखाओं की तरफ, और एक एक्स का चिन्ह यहां से जाकर के यहां पर जाने का प्रयास करता है। अब इसको यदि आप एक्स पढ़ लें तो यही आपकी बहुत बड़ी भूल है। कुल मिलाकर के ये दोनों ही शाखाएं अपने अपने गमन को जा रही हैं। हृदय रेखा से निकलने वाली रेखा अगर मैं देखता हूं तो बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलती है, मैं यश मान सम्मान और धन चाहता हूं। हृदय रेखा से निकल करके एक और शाखा ये भी अगर देखता हूं तो कनिष्ठ और सूर्य के नीचे या दोनों मध्य में जाकर के भी ये मिल जाए तो ये कुल मिलाकर आपके पास दोनों सहयोगात्मक रेखा है, खड़ी रेखाओं के रूप में है। ये एक्स का चिन्ह नहीं है, यह आपके जीवन में यह सम्मान आपको दिलाएगा ही। अब देखिएगा आपके पास एक और शाखा अगर एक्स की बात होती है तो आपको एक शाखा मिलेगी और वह शाखा है आपके पास एक सीधी खड़ी रेखा। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, ट्रायंगल भी लगा हुआ है और भी बेहतर है। यश मिला, सम्मान मिला, नौकरी मिली, प्रगति मिली, प्रमोशन मिला, पिता का सहयोग मिला, विदेश यात्रा मिली, बड़ी पहचान है व्यक्ति की, लेकिन साइड में लग गया एक्स। या इधर लग जाए या इधर लग जाए, यदि आपकी इस बढ़िया रेखा के साथ में एक्स का चिन्ह साइड में लग गया तो इसका मतलब व्यक्ति के पास पहचान भी है, सम्मान भी है, यश भी है, प्रसिद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन किस काम की है? किसी रिश्तेदार के काम नहीं आएगा। समाज में सब जानते हैं ये व्यक्ति गलत कार्य करता है। यह राजनीति के क्षेत्र में है जरूर, परंतु मन से पवित्र नहीं, चरित्र से पवित्र नहीं। यह व्यक्ति अच्छी नौकरी पर है, अंडर टेबल करोड़ों अरबों रुपए इस व्यक्ति ने कमाया है, समाज का कल्याण कुछ नहीं। बस ये है कि कुल मिलाकर आपके जीवन में इस प्रकार के प्रसन्न चिन्ह यह खड़ा करता है। अब देखिएगा इसमें एक और एक्स है और वह एक्स बन ही इस रेखा पर गया। बस समझ लीजिए कि यदि ये कैंची लग गई तो जिस भी आयु के अंदर ये कैंची लगेगी व्यक्ति का उस नौकरी उस में चली जाएगी, व्यक्ति का बड़ा पद उस आयु में चलाया जाएगा जिसमें ये एक्स का चिन्ह लग गया है। तो ये भी इस प्रकार से समझ लें। साथ ही साथ कितने ही बार देखने में आता है कि
कि पूरे के पर्वत पर एक्स है एक्स है एक्स है, कोई रेखा जा रही है, और ये सब इतनी काटने वाली होती है कि समझ में नहीं आता कि एक है कैसे के 100 एक्स है। भाई इसका सीधा सा सवाल है, ये कुछ नहीं है, एक कांटेदार वृक्ष है, और कांटेदार वृक्ष क्या देगा, इन सब चीजों में अपयश और साथ ही साथ सम्मान का खोना, जीवन में प्रगति ना होना, बीमारी का रहना, ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन के अंदर लगी रहेंगी। तो आपके जीवन के अंदर एक्स का क्या है मोल, ये मैंने आज आपको बताया। अन्य एपिसोड्स में भी आपको उचित जानकारियां देता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।